नमस्कार एस्ट गेमिंग ऑफिशियल मेरे भाई, आपने सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। गाइस तो भाई आपकी जो कमेंट आई है वो जाइए कि आपने ट्विटर अकाउंट को कैसे मोनेटाइज किया, मतलब आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बताऊँगा कि दोस्त मैंने अपने ट्विटर अकाउंट को मोनेटाइज किया है। भाई सबसे पहले इसका जो 50 घंटे का लिसनिंग आवर का क्राइटेरिया होता है ना भाई, वो मेरे लिए बड़ी समस्या था। मतलब मेरे लिए क्या, मतलब हर आपके लिए या हर जो बंदा ट्विटर पर स्ट्रीम करना चाहता है उसके लिए भाई 50 घंटे लिसनिंग आवर मतलब मुझे बहुत बड़ी समस्या लगती थी। भाई मैंने इसे 8 दिन में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जैसे मेरी प्रोफाइल अंडर रिव्यू के लिए ऊपर चले गई तो भाई वहाँ से भी यार निराशा आत लगी। मेरे 21 दिन का फीडबैक मुझे मिल चुका था। अब 21 दिन का फीडबैक मिलना भाई बहुत बड़ी समस्या है। 21 दिन बहुत होते हैं, पूरा एक महीना। तो पूरा एक महीना मैंने उस पर भाई एक्टिव रहे, मतलब कुल मिलाकर मैं एक्टिव रहा भाई, दिन में 2 घंटे 1 घंटे लाइव स्ट्रीम में रेगुलर करता था। 21 दिनों तक मैं लगातार करने के बाद 21 दिन की फीडबैक मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके 2-3 दिन बाद मैंने जब मैं स्टेटस चेक किया तो मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने रेगुलर अपनी लाइव स्ट्रीम को रखा, ये रोजाना का 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे तक करने के बाद मेरा पहला पेमेंट शुक्रवार को आया था, जो कि भाई 7 रुपये था। पहली पेमेंट मेरे लिए 7 रुपये ज़्यादा कम नहीं थी, क्योंकि भाई मैंने उस पर मतलब अंदर से लगातार मेहनत ही कितनी सी की थी। ओवरऑल क्रिएशन उस पर 8 घंटे का था, तो मैंने 8-9 घंटे कंप्लीट कर लिए थे। तो यार अब इतना सा इतना ही मिलता है तो भाई मुझे 7 रुपये पेमेंट मिला था, लेकिन उस पर मैंने मेहनत भी नहीं की। कम ज़्यादा कुल मिलाकर उस पर अभी तक मैं सबसे ज़्यादा रुपये 25 रुपये अभी तक निकाल पाया हूँ। मेरी हाई जो उस पर से निकाल पाया वो है 25 रुपये। उसके बाद मैंने उस पर काम कमी करता हूँ, मैंने उसका बीटा वर्जन में ऐड हूँ, तो इसलिए मैं उसके अपडेटेड वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस पर लाइव स्ट्रीम करने के मुकाबले। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी मुझसे पूछा था मैंने आपको बता दिया होगा। अगर आपको तब भी कोई कमी लगी तो प्लीज़ भाई कमेंट करना, और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि यार मैंने आपकी पहली कमेंट का जवाब 16 घंटे में दिया है। भाई इसके लिए मुझे बहुत दुख है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने सभी भाइयों की कमेंट्स का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक यूज़र भी हूँ। मैं जो किसी कमेंट करता हूँ तो भाई चाहता हूँ कि उधर से जवाब जल्दी आया, ताकि जो जानना चाहते हैं वो जल्दी पता चल जाए। तो यार मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तब तक मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में, और अपने भाई पर इसे अपना प्यार बना रखो। जय हिंद, जय भारत।